हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा नाम है सुरेश। तो अभी आप देख रहे हैं सुरेश कार्स केयर्स। तो आज मेरे पास हुंडई की i20 आई है। तो कस्टमर का कहना है ब्लोवर जो है एसी पे बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, नॉर्मल भी आवाज़ कर रहा है, एसी ना चले तो भी ब्लोवर ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। तो चलिए खोल के देख लेते हैं। वीडियो अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए। तो देख लो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ से देखिए ओपन हो गया है। तो इसको देखिए, मैं तो अकेला ही हूँ, अकेला वीडियो बनाऊँगा, अकेला ही वो करूँगा। सबसे पहले हल्का से इधर पुश कर लेना है, यहाँ पे हल्का से इधर पुश करना है, यहाँ फिर से पुश करना है, ऐसे करके देखिए ये निकल आया है, है ना। तो गेट खोल लेते हैं, हल्का सा खुल गया है गेट। तो इसको जो है पूरा बाहर निकाल लेंगे, फिर पूरा निकल आया है। अगर आप दोनों हाथ से निकालेंगे तो बहुत आराम से निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब देख लेते हैं फिल्टर। फिल्टर तो चेंज करना पड़ेगा, फिल्टर नया लगाना ही पड़ेगा। और ये फिल्टर बॉक्स है, तो ये देख लीजिए फिल्टर बॉक्स है ये। तो ये देखिए बटन लगे हुए हैं, दोनों को पुश करना है, यूँ पुश करके निकाल लेते हैं। ओह माय गॉड, इसमें तो फ्रेंड्स फिल्टर ही नहीं है, इसके अंदर फिल्टर नहीं है, इसके अंदर कचरा तो होगा ही, जब फिल्टर ही नहीं है तो। तो भी देख लेते हैं कहाँ से खोलना है, यहाँ से वीडियो कट करें थोड़ी। चलिए दिखाते हैं कहाँ से खुलेगा ये। ये कपड़ा निकाल लेंगे सबसे पहले तो इसका। ये देखिए यहाँ से दाब के इसको पुश कर निकल गया है। इसका पेज देखिए लगा हुआ है, कहाँ लगा है, एक यहाँ पे लगा हुआ है और एक लगा हुआ है यहाँ पे, ये लगा हुआ है और एक लगा हुआ है यहाँ पे। तो इसको तीनों पेज पहले खोल लेते हैं सही से। ये देख लीजिए पेज सारे मैंने खोल लिए हैं, इसको बाहर निकाल लेंगे। देख लीजिए जितना कचरा है इसके अंदर, ये फिल्टर नहीं लगा था इसकी वजह से आया है इसमें। अब इसको थोड़ा और साफ कर लेंगे, लेकिन आपको इसको पानी से नहीं साफ करना है, स्प्रे से साफ कर सकते हैं, ब्रश से साफ कर सकते हैं या कपड़े से साफ कर सकते हैं। तो हम तो इसको स्प्रे से थोड़ा साफ करेंगे, तो सिंपली स्प्रे से साफ कर लेते हैं इसको पहले। देख लीजिए मैंने बढ़िया से इसको साफ कर लिया है, पूरा क्लीन कर लिया है। तो अब इसको जो है लगा देंगे, फिट कर देंगे। तो आप चाहें तो आप भी ऐसे क्लीन कर सकते हैं, बस फर्क इतना है कि आपको कोई स्प्रे यूज़ कर लेना है, वाटर यूज़ नहीं करना है, पानी से नहीं धोना है इसको, बाकी आप ब्रश से साफ कर सकते हैं सिंपली इसको। अगर कोई स्प्रे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो है सिंपल ही पानी से थोड़ा कपड़ा भिगो के ये लाइनें साफ कर लीजिएगा, बस पानी में इसको डुबोइएगा नहीं, या कोई सूखा ब्रश हो तो उससे मार दीजिए, साफ हो जाएगा आराम से। चलिए इसको फिट कर लेते हैं। चलिए इसको फिट करते हैं। ये जो है देखिए इस साइड रखिएगा, इसको इस साइड रखिएगा, सिंपली इसको जो है ऐसे करके डाल दिया जाए यहाँ पे, बैठ गया तार इसमें लगा हुआ है, साउंड का जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है थोड़ा, ये बैठ गया है, ये देखिए बैठ गया है पूरा, थोड़ा तार डिस्टर्ब कर रहा है, इसको तार को हटाता हूँ फिर लगाऊंगा। ये देखिए तीनों पेज प्रॉपर फंसा दिए हैं इसके, ये तीनों पेज फंस गए हैं। अब तीनों पेज को है जो फाइनल टाइट कर लेंगे, तो इसको लगा देते हैं कपड़े जैसे निकाले थे, तो कपड़ा लग गया, अब तीनों पेज जो है फाइनल कर लेंगे। जैसे देख लीजिए इसको फाइनल टाइट कर दिया है ब्लोअर मोटर को, लेफ्ट साइड में लगी होती है। अब जो बारी आती है इसको बढ़िया से क्लीन कर लेंगे, इसको भी क्लीन करेंगे बढ़िया से। तो अब फिल्टर लेके आते हैं, फिर आगे आपको दिखाएंगे फिल्टर कैसे लगाना है। ये देख लीजिए, देखिए मैंने क्लियर कर दिया है इसको, तो ये फिल्टर नया ले लिया हूँ। अब इसको सिंपली जो है इस तरह लगा देंगे, देखिए इस तरह नहीं लगेगा, ये यूँ लगेगा, इस तरह लगेगा ये, देखिए लग गया हो रहा है। लगा के दिखाते हैं आपको इस तरह, ये देख लीजिए पूरा बैठ गया पूरी तरीके से। तो आप सिंपली जो कवर जो है ये देखिए लॉक को यहाँ पर बैठा देंगे, यहाँ पे इस तरह ये बैठ गया, इसको यहाँ पे इसे पुश कर देंगे, देखिए लग गया फाइनल कंप्लीट हो गया है।
ये देख लीजिए, पहले जो है आपको नीचे लगाना है, इसमें बैठा लेना है बढ़िया से कुछ करके, ऐसे करके यहाँ से बैठा लेना है। तो बैठा लेते हैं पहले, देखिए नीचे जैसे बैठा लिया तो इसको सिंपली जो है ऐसे करके आप ये बंद कर देना है। ये बंद हो गया, फाइनल ओके हो गया है। देखिए कितना बढ़िया फ्लो हो गया, अब तो फ्लो भी बहुत पावरफुल हो गया। ये देखिए पहले से काफ़ी अच्छा फ्लो हो गया है और गाड़ी स्टार्ट है इसमें। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना, कभी भी एयर फिल्टर जो है आपको नहीं हटाना है गाड़ी में से, उससे क्या होता है चूहे मर जाते हैं उसके अंदर, आ चूहे मर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बदबू करती है चूहे। हालांकि चूहे जो है फिल्टर को काट के भी कभी कभी चले जाते हैं, तो कभी क्या होता है छिपकलियाँ जो है वो भी आपकी गाड़ी के अंदर आ जाती हैं, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो थोड़ी देर बैठ लेते हैं इसमें, और वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।